संचारी रोग से संबंधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसके त्वरित तथा सही उपचार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 2021 में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 12 जुलाई से 25 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी कार्य योजना 28 जून तक सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध करा दे। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन रोगों की रोकथाम हेतु आपसी समन्वय स्थापित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन किया जाए। डीएम ने कहा कि दस्तक अभियान के तहत आशा आंगनवाड़ी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है तथा आशा एवं आंगनवाड़ी वर्कर एक साथ कार्य करे और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इस अभियान में अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतते पाई जाए उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में तेजी लाई जाए और माह जुलाई में कम से कम 50,000 लोगों का वैक्सीनेशन प्रतिदिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जिससे सभी का वैक्सीनेशन हो सके। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सीएससी व पीएससी पर मेडिसिन किट्स तैयार रखी जाए ताकि बाढ़ के दौरान आवश्यकतानुसार किट्स उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने निर्देश दिए कि सभी सीएससी पीएससी पर पर्याप्त दवाएं उपलब्ध रहे तथा स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सक उपलब्ध रहे तथा कायाकल्प के तहत सभी अस्पतालों की रंगाई पुताई कराते हुए साफ सफाई पर बेहद ध्यान दिया जाए। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि सभी सीएससी व पीएससी पर वेंटिलेटर उपलब्ध करा दें और प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाए ताकि लोगों को सेंटर की जानकारी हो सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एन के पांडे सहित सीएससी व पीएससी के प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, सभी विभाग अपने अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट अपनी अपनी कार्यों पे ध्यान देंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण ये हमारा मंत्र सहयोग के लिए यथासंभव सहयोग के लिए चल रहा है। जो भी वो बन पड़ेगा हम आपसे सहयोग करेंगे, चाहे प्रशिक्षण का कार्य हो, बैठक हो, जागरूकता हो, रैली हो, मास्क पहनना और बार बार हाथ सैनिटाइज करना, ये सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ही सारे कार्यों को कार्यों का संपादन किया जाएगा। ये हमारे कुल 11 डिपार्टमेंट जो मेन मेन है, मैं एक बार बता दे रही हूँ। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ICDS, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, शहरी विकास, कृषि विभाग, पशुपालन, दिव्यांग कल्याण, स्वच्छ भारत मिशन एवं सूचना विभाग, नोडल विभाग का जो मेन काम है वो है बुखार के रोगियों का संदर्भन आशा के द्वारा और तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें घर तक पहुँचाना, प्राथमिक उपचार तक पहुँचाना, साथ ही साथ कोविड के लक्षण ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक अगर कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो उन रोगियों को भी प्राथमिक उपचार तक पहुँचाना और उनके टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराना। सभी विभागों से समन्वय करते हुए अपने मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, ये सारा काम स्वास्थ्य विभाग का ही है। इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है इस अभियान में, क्योंकि ये जो बीमारी है हमारे संक्रामक रोग बीमारी को गांव में सबसे ज़्यादा फैली हुई है और इसलिए यहाँ पे इनका रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि गांव के नालों की साफ सफाई, जल भराव का निस्तारण, श्रमदान द्वारा झाड़ियों की कटाई, पिछले हैंडपम्प को लाल रंग से रंगना, इंडिया मार्ग का टूल हैंडपम्प के प्लेटफॉर्म की मरम्मत और भी बोरिंग का कार्य, लाली साइडल स्प्रे, कहीं भी अगर पानी के साथ पानी भरे हुए हैं गड्ढों में तो वहाँ पे लालू साइडल स्प्रे कराना जरूरी होता है, फॉगिंग कराना, अगर आबादी के बीच में कोई तालाब है और प्रदूषित है तो उसकी भी सफाई करना, इस अभियान के तहत सफाई करवाना जरूरी है। निगरानी समिति, ये दोनों समितियों को एक्टिव करके
और ज़्यादा से ज़्यादा हमको अवेयरनेस प्रोग्राम को अवेयर करना है। शिक्षा विभाग में छोटे बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल से, तो जो भी कार्य होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल माध्यम से ही होगा। रखने का काम है, आबादी से दूर रखें, हम वेक्टर नियंत्रण करें, सीओ सर्विलांस करें, शुगर पालकों को शुगर बाड़ी की साफ सफाई के बारे में समझाएं। इसी दौरान उन्होंने अच्छी बात होती है तो सब लोग अपने पास रखें और कोई भी जरूर तैयार कर लें जिससे बाहर पीड़ितों को मदद मेडिसिन की मदद पहुँचाई जा सके, वो भी तैयार करके रखें। जहाँ भी बाहर का कुछ आता है वहाँ दृष्टि होता है। इधर हम लोगों ने दो तीन साल को बिल्कुल संजोड़ कर रखा है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि तीन साल बीतेगा, चौथा साल चल रहा है तो केस बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं रहेगी। और सिर्फ बीमारियों की सफाई और अपनी खुद की सफाई ही बीमारी का इलाज है, तो हम सभी लोग अनुरोध करते हैं कि अपने विभागों से भी हमारे विभाग से सामंजस्य बना करके, बहुत सारी जगह हम ब्लॉक में देखते हैं कि फोटो आती है तो हमारे हिमाचल प्रदेश सबके साथ बैठे हुए हैं और एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं, तो जब हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी बीमारी हमको छुएगी नहीं और हम सब बीमारियों से दूर रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य ने थर्ड वेव आना ही है तो नहीं है और उसका जो अंदाजन को सब लोग बताया कि अगस्त पहले सप्ताह में तो जुलाई अंत में ही तो उसका लक्षण दिखने लगेगा। इवन महाराष्ट्र दो तीन स्टेट में वो उन लोग इमरजेंसी डिक्लेयर किए तब तैयारी में लगे। आपने पढ़े होंगे देखे होंगे एम्स का डायरेक्टर दिल्ली का, उन्हें भी बताया ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हाथ पे 6 सप्ताह से 8 सप्ताह है, तो बीच में जो लग भी गए हैं वो सेकेंड वेव थर्ड वेव के बीच में हम लोग इसलिए कह रहे हैं ताकि जो अभी भी रूरल एरिया में बहुत सारे दो कारण है उन लोग प्रेडिक्शन का, हम लोग में जो डाउट रहता है कि इतने बार थर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि सीरो सर्वे में भी अंदाजन 40 से 50% इन्फेक्टेड आ रहा है कोविड के अलावा बाकी लोग का, तो उसी हिसाब से हम लोग का सब लोग गलत भी होगा, सब लोग इन्फेक्ट हो गए होंगे सही हो जाएंगे, बट उनका प्रेडिक्शन ये है रूरल एरिया में अभी भी बहुत लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं फर्स्ट सेकेंड वेव में और उन लोग भारी मात्रा में रह गए वैक्सीनेशन से और इसलिए तो जरूर वो कह रहे थे इंडिया में तो आना ही आता है, वो कितने महंगा आएगा सेकेंड वेव से बड़ा आएगा, सेकेंड वेव से बराबर आएगा, सेकेंड वेव से छोटा आएगा, वो हम लोग का हाथ पे है। अब कितने लोग का वैक्सीनेशन से कवर कर सकते हैं उतने लोग का हम तो बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन में दो फायदा तो है, सीधे सीधे आपके लोग देखे होंगे, एक तो जान को बच ही जाता है, यदि मान लीजिए किसी का इन्फेक्ट भी हो जाता है फिर उन लोग का रिकवरी रेट अच्छा रहता है और ज़रूरी नहीं पड़ता उनका वेंटिलेटर में वाला वो बढ़ जाए कोविड से, एक तरफ से हम लोग का बेहतर रहेगा ताकि जो कितने एडिशनल बेड्स हम लोग बनाए हैं सारे चीज़ सीरियस पेशेंट के लिए कैटर हो जाता है। इसे तो वैक्सीनेशन के अलावा इस समय पूरा दुनिया में कोई उपाय नहीं और इस समय में ज़रूर सेकेंड वेव की शुरुआत में हम लोग कितने रिस्पॉन्स मिला था वैक्सीनेशन का वो रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होते जा रही है, ताकि कंप्लेसेंसी होता है ताकि एक आदमी दूसरे आदमी से देखे सोचता है तो ठीक है उनको नहीं आया मुझे नहीं आया, तो जो बाकी लॉकडाउन तो खुल ही गया है एक तरफ से और इसलिए तो बाहर का मोबाइल ऐसा ही है मामूली हिसाब से हो गया। लॉकडाउन खोलने के भी अनेक कारण है, केवल जन कारण नहीं देखते हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि भी देखते हैं, जिला स्वास्थ्य समिति का बैठक है ये, हर महीने हम लोग रिव्यू करते हैं। वैसे आप जानते हैं अभी वैक्सीनेशन का ड्राइव प्रारंभ हो गई 20 तारीख से और 1 तारीख से और इंटेंसिफाई होगा, यानी 25,000 लोग पर डे के हिसाब से अभी कवर कर रहे हैं, 1 जुलाई के बाद हम लोग 50,000 पर डे के हिसाब से कवर करेंगे आशंका है, तो ताकि अगस्त के आसपास हो सकता है थर्ड वेव आने के लिए, बट उसके पहले हमारा जनसंख्या में 80% लोग का हम वैक्सीनेट करने के लिए टारगेट रखते हैं, उसी दिशा पे हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं।